दोस्तों, हम सब अपनी पूरी ज़िंदगी एक अच्छे कल की उम्मीद में गुजार देते हैं, बट एक चीज़ है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, ये लाइफ हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बीत जाती है। और जब तक हमें ये एहसास होता है कि अपनी आज की खुशी को इग्नोर करके आज तक किसी का कल अच्छा नहीं आया, ज़िंदगी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा बीत चुका होता है। यार, लाइफ में चैलेंजेस तो हमेशा आते रहेंगे, और ट्रस्ट में दोस्तों, अगर लाइफ से स्ट्रगल्स और चैलेंजेस ही चले गए तो क्या फ़ायदा ऐसी बेरंग और मीनिंगलेस ज़िंदगी को जीने का। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी ज़िंदगी के किस मोड़ पे खड़े हैं, आपके इस पल से ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता। वैसे मेरा ये सोलो ट्रिप इस वक्त पिन वैली नेशनल पार्क के एक बेहद खूबसूरत गांव मुद में पहुंच चुका है, और यहाँ के नज़ारे एक वंस इन अ लाइफ टाइम विजुअल एक्सपीरियंस थे। तो चलो यार, साथ में स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से सफ़र को। और हाँ, शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करके अपने इस दोस्त को सपोर्ट जरूर करना। तो चलो यार, लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर। नाउ दैट्स द कॉफी आई कैन डाई फॉर एनी डे। हेलो फ्रेंड्स, इट्स बीन अ वंडरफुल मॉर्निंग, और आप हैं शौर्य चौहान के ए द सोलो मैन के साथ। सो गाइस, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉर्निंग फ्रॉम लास्ट विलेज ऑफ पिन वैली नेशनल पार्क। कल शाम को मैं यहाँ पे आ गया था, और बहुत ही अमेजिंग से नज़ारे ने आज सुबह मुझे वेलकम किया। इनफैक्ट यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। दे आर सेइंग के स्नोफॉल से गर्मियों में पानी मिलता है, जब ऊपर पहाड़ों में बर्फ होगी वही पिघल के नीचे आएगी और फसलों को भी पानी मिलेगा, तो दे आर रियली हैप्पी। इनफैक्ट यहाँ के एक लोकल तो मुझसे कह रही थी, यू आर लकी फॉर अस, आप आए हमारे लिए स्नो लेके आए, वरना इस बार यहाँ पे स्नो गिर ही नहीं रहा था। मैंने कहा दैट्स क्यूट। मेरे पीछे एक बहुत ही प्यारा और अमेजिंग सा नज़ारा है, बट अभी एक प्रॉब्लम ये है कि अपने को राइड करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। हो सकता है मैं यहाँ फंस जाऊँ एक दो दिन के लिए, क्योंकि स्नोफॉल अगर हैवी हो गया तो एक दो दिन के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। चलो यार, शुरू करते हैं इस दिन को बहुत ही अमेजिंग और पॉजिटिव वाइब्स के साथ। लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर। तो भाई, ठंड इतनी ज्यादा है, ये भगोना रात को मैंने पानी गर्म करा था, पिया था, अरे रात में रखा रखा ही जम गया। ये ग्लास भी था, इसमें भी पानी था, अभी बर्फ है। सीन थोड़ा सा ख़राब है यहाँ पे ठंड का। अगर आपको आइस क्यूब चाहिए हो ना, तो यहाँ पे बस पानी भर के रख देना, आपको कुछ घंटों में आइस क्यूब मिल जाएंगे। नेचुरल फ्रिज लगा हुआ है। ये अपने विंडो से बाहर का सीन है इस टाइम पे, बहुत ही सही है। हम सबकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब ऐसा लगता है कि काश ये पल यहीं रुक जाए। दोस्तों, जिस दिन से मैंने एक कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ के अपने ड्रीम को फॉलो करना शुरू किया था, मैंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को झेला है, बट आज इस जगह पे खड़े होके सब कुछ वर्थ इट लग रहा था। फ़र्क नहीं पड़ता कि कल को मेरी ये जर्नी मुझे कहाँ लेकर जाएगी, बट मेरा आज एकदम सेटिस्फाइड था। फिर काफ़ी देर तक इन नज़ारों को देखने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ एक स्नो वॉक पे जाने का, बट कल गांव वालों से स्नो लेपर्ड वाली बात सुनकर ऐसे अकेले स्नो में जाना थोड़ा रिस्की लग रहा था, तो मैं साथ ले लेता हूं अपने कुछ दोस्तों को।
दोस्तों ये बात जिंदगी में कभी मत भूलना कि ये लाइफ बस एक बार मिली है और अनफॉर्चुनेटली इस लाइफ में कोई कंट्रोल जी नेम की कमांड नहीं होती। तो अपने हर दिन को ये समझ के जीना कि ये दिन हमेशा के लिए आपकी लाइफ से जा रहा है और फिर कभी वापस नहीं आएगा। और देखना, लाइफ को देखने का आपका पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो यार ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम बहुत ही अमेजिंग है। जितना दूर मेरे पीछे आप देखोगे पूरा स्नो ही स्नो है। अनफॉर्चुनेटली मैं अपने ग्लव्स भूल आया तो मेरे हाथ जमे जा रहे हैं, बट अब वापस नहीं आ सकता क्योंकि गांव से काफ़ी दूर निकल आया हूँ, इतना दूर कि मेरी थोड़ी सी फट रही है। मुझे कंपनी देने के लिए ऑल्दो कुछ मेरे दोस्त हैं। अरे क्या हुआ, अटकेलियाँ कर रहे हैं स्नो में भी, इनको भी मज़ा आ रहा है। मौसम एकदम अमेजिंग हो रहा है। मेरे ख्याल से अब हमें गांव की तरफ चलना चाहिए, सामान उठा के निकलना चाहिए, क्योंकि अगर स्नोफॉल और बढ़ गई ना तो यहाँ पे फंस जाऊँगा 2-3 दिन के लिए। ये नज़ारे भाई दिल ले जा रहे हैं। बहुत ठंड है, बहुत भयंकर ठंड है। और देखो मैं पता है क्या सोच रहा हूँ कि यार वहाँ पे भी ना छोटे छोटे कुछ घर बने हुए हैं, वो देखो घर दिख रहे हैं आपको, वो छोटे छोटे, यार उनकी क्या हालत होती होगी भाई, देखने में ही लग रहा है सुंदर। जो लोग रहते हैं ना उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तुम फिर आ गए, चलो यार चलते हैं अब होमस्टे की तरफ और निकलते हैं। फिर अब ऐसे ही मौसम में निकलना पड़ेगा क्योंकि अगर और बर्फ़ गिर गई तो रास्ता 2-3 दिन के लिए बंद हो जाएगा। चले बेटा चले, चलो मस्ती सूझ रही है। ठीक हो तुम, क्या ठंड नहीं लग रही तुम्हें? क्या चाहिए, चले ठंड लग रही तुम्हें? हाँ चलते हैं बेटा चलते हैं। अरे बस ज्यादा मस्ती नहीं बेटा, चलो अब चलते हैं अपन लोग गांव की तरफ। चलो आओ आ जाओ आओ चले। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि बर्फ में ना कहीं भी धस जा रहे हैं। देखो पैर के अंदर अभी उसमें घुस गया था मेरा पैर। ओ भाई ओ भाई ओ भाई बर्फ अगर जूतों में घुस गई ना तो गीले हो जाएंगे जूते। अब मैं जहाँ से आया हूँ वहीं से ही चलता हूँ धीरे धीरे करके। दिल्ली गांव कैसे है? अरे बहुत, दुनिया का सबसे सुंदर गांव में से एक है। साफ सफाई तो है, बहुत अच्छा है। जून जुलाई में सुंदर है पेड़। मैं आया हूँ जुलाई में भी, इस साल बर्फ कम आया ना, बर्फ कम आया है। पहले पहले तो बहुत बर्फ गिरते हैं। हाँ चलिए प्रणाम, चाय अभी पी है जस्ट मैंने, धन्यवाद पूछने के लिए। अंदर तो आ गए, अब रास्ते से ऐसे से ऊपर जाना पड़ेगा। देख के भाई चलो अब अंदर चलते रूम में सामान उठाते और फिर निकलते हैं। तो भाई पूरी तैयारी अब अपनी डन है, जो भी थोड़ा बहुत मैं सामान लेके आया था सारा एकदम अपना पैक है, बस बाइक पे लोड करना है और यहाँ से निकलना है। हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है बाहर, तेज हो जाती तो रुकना पड़ता, बट अभी लाइट ही है तो चलते हैं यहाँ से। चलो यार राइड पे चलते हैं एक छोटी सी। चलो 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 ऊपर चलते हैं। तो यार सारा पैक वैक सब हो गया, बस यहाँ से निकलना है। लेट्स रोल, चलो ठीक है भाई, ठीक है भाई, हाँ भाई धन्यवाद। चलो भाई जय बजरंग बली, निकल दिए भाई। बर्फ की वजह से कीचड़ हो गया है, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। बस
बाय बाय। बहुत सीधे साधे लोग हैं इस गांव के, बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं। चलो भैया निकल लिए अब हम, बाय बाय मुद, अब मिलते हैं शायद थोड़े ज़्यादा टाइम के बाद। मुझे स्पीति बहुत पसंद आई जगह, बट अब कीचड़ है भाई, कल वाला हिसाब नहीं है, ध्यान से चलेंगे अब, बहुत ही ठंड बहुत भयंकर है भाई, कल से तो बहुत ज़्यादा ठंड है। ये जो ऐसे रास्ते हैं ना, इन पे कहीं भी आइस जमी हुई है और वो दिख नहीं रही है, और उस पर बाइक एकदम से फिसल जा रही है। ओ भाई अब यहाँ डेफिनेटली कहीं ना कहीं जमा हुआ होगा कुछ, अब यहाँ से थोड़ा सा देख के निकलना पड़ेगा भाई, यहाँ पूरी बर्फ जमी हुई है, पानी के साथ साथ बाइक फिसल रही है, ब्रेक टच भी नहीं करना है, टेम्परेचर पॉजिटिव में आने का नाम ही नहीं ले रहा। आगे से भाई पत्थर आ रहे हैं कुछ, यहाँ पर शूटिंग स्टोन की थोड़ी प्रॉब्लम है। अब तो ऐसा लग रहा है जब टेम्परेचर प्लस में मिलेगा तो खुशी होगी, अच्छा हुआ अच्छी प्रिपरेशंस के साथ आया था मैं, वरना फट लेती मेरी। ये सबसे घटिया पैच है अब इस रास्ते का, यहाँ पे पूरी जमी हुई है और साथ में थोड़ा पानी है, पत्थर है, पूरा मिक्सचर हो रखा है। आराम से ब्रेक नहीं मारने, इंजन ब्रेकिंग से ही काम चलाना है, क्योंकि ब्रेक मारते ही फिसलेगी। कल से भी ज़्यादा गंदा हिसाब किताब हो रखा है यहाँ पे इस टाइम से। हैं? हाँ जा सकते हो कोई नहीं। दोस्तों इन खतरनाक बट बेहद ब्यूटीफुल रास्तों को एंजॉय करते हुए मैं निकल जाता हूँ अपनी आज की मंजिल काजा की तरफ, बट अनफॉर्चुनेटली काजा पहुँचते पहुँचते मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, और इस मौसम में सूरज ढलते ही टेम्परेचर कई बार -10 से भी नीचे चला जाता है, और ऐसे मौसम में राइड करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो यार फाइनली आ गया अपने रूम के अंदर वापस काजा में, क्या दिन था भाई, मजा आया, नज़ारे बहुत ही अच्छे थे, स्नो भी देखी, लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत ही बढ़िया विजिट थी पिन वैली नेशनल पार्क की। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी, आज बहुत ज्यादा थक गया था तो मैंने कुक नहीं किया, बस अपनी मैगी बन रही है उधर इन्हीं दिनों के लिए, तो मैगी रखता हूँ अपने पास। इधर अपनी बुखारी जल रही है, इसने कमरे को एकदम गर्म कर दिया, ओवरऑल अच्छा फील हो रहा है। मेरे ख्याल से परफेक्ट टाइम है इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करने का, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने भाई को सपोर्ट करें, कल का दिन भी बहुत अमेजिंग होने वाला है। कल मैं आपको 4,500 meters से ज्यादा के एलिवेशन पे एक ऐसा गाँव दिखाऊंगा जहाँ कभी ओशियन हुआ करता था। बाकी बातें कल, कंक्लूड करते हैं इस दिन को बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ। दिस इज शौर्य चौहान, ओवर एंड आउट, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट।